सर्दी और कॉमेडी की लाए हैं बाहर, कुछ है चेहरे नए और कुछ है सुपरस्टार। आइटम की रानी ला रहा रे, कॉमेडी का बादशाह रे। हंसे 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 गारे हंसे गाएंगा रे, हंसे 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 गारे हंसे गाएंगा रे, हंसे गाएंगा रे, हंसे गाएंगा रे। कॉमेडी का बादशाह हंसेगा इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे राखी कहाँ है, कहाँ है, एकदम भड़की हुई है। बस ये औरतें बस भड़क जाती हैं तो एकदम दंदक जाती, ददंक जाती एकदम भसक जाती है। अब वो ये कहाँ है, अब इसी बात पे भड़क गई। हमारे एक दोस्त हैं ननकाऊ, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, भगवान जी भगवान जी मेरी शादी, मेरी शादी ऐश्वर्या से करा दो, भगवान जी ऐश्वर्या से करा दो। पीछे मैं भी पूजा कर रहा था, मैंने सुन लिया। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, ऐश्वर्या से शादी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितनी पगार है तेरी, कितनी पगार है, तनख्वाह कितनी तेरी, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, मुँह खोल के बोले 3,000 रुपया। ऐश्वर्या एक एक साड़ी पहनती 3-3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की साड़ी पहनती है, एक अफोर्ड कर पाएगा। अरे ये तो सोचा ही नहीं, तू शादी कर ले राखी सावंत से, कपड़े का पूरा पैसा बच जाएगा। बस ये बात राखी सावंत ने सुन लिया, तब से भड़की हुई है, आई नहीं रही, अब अकेले में प्रोग्राम को कैसे खींचूं। अब चल एक चांस लेता हूँ, इंग्लिश में अनाउंस करता हूँ तो शायद आएगी, हिंदी प्रोग्राम में इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी है, तब देखते हैं बड़े बड़े लोग। Good evening, ladies and gentlemen. Now presenting you hot and sizzling Rakhi Sawant. Chadh gaya upar re, atariya pe lotan kabutar re. Chadh gaya upar re, atariya pe lotan kabutar re. मैंने राखी को आवाज़ दी थी, आप राखी तो हो ही नहीं, वो राखी है ना एक, जो अपने आप में एक राखी है, जो राखी है वो है, वो एक राखी है। अरे मैं इतनी बड़ी तुम्हारे सामने यहाँ हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? कहाँ हो? यहाँ, ये मैडम के हाथों में। कौन ये पर ये राखी कैसे हो सकता है, ये राखी, ये राखी, ये कैसे? यही है राखी। कैसे, ये कैसे? जादूगरों की दुनिया की मैं हूँ राजकुमारी। मेरा नाम है कृति पारे। एक्चुअली हुआ ये है, क्या हुआ, क्या के राखी किसी बात से बहुत नाराज थी। हाँ, एक बात से भड़की हुई है, मेरी बात से भड़की हुई। हाँ, है मैंने कुछ कहा तो वो मेरे पास आई। अच्छा, और उन्हें आपको कबूतर बनाने का फॉर्मूला चाहिए। मुझे कबूतर नहीं, नहीं। हाँ। तो मैंने उन्हें फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। अरे थैंक यू। तो आपकी जगह हाँ? वो खुद ही कबूतर बन गया। अरे मजा आ गया, इसका जब कोई शो होगा आइटम डांस करेगी, ये सभी साड़ी में इसका परफॉर्मेंस होगा। हाँ। यू डांस करेगी, उड़ा लो मजाक। हाँ हाँ, बड़ी मुंडी यू 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 हो रही है, मुझे एक बार राखी बन जाने दो। हाँ हाँ, देखो तो कैसे घुटरघू खुद ही कर रहे हैं। अच्छा राजू, यहाँ देखो मेरी तरफ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब बताओ कि मैं ऐसे आइटम नंबर कैसे करूंगी। हाँ, इसको राखी बना दो। ठीक है चलो, इन्हें वापस राखी सावंत बनाते। बना दो, तो बना दो। आपको मेरा मैजिक मंत्र बोलना होगा। बोलूंगा, सिम सलाबी फू फू फू, सिम सलाबी फू फू फू, गिल गिली आबरा के डाबरा डच पिटिपांग जुम रख जुम, गिल गिली आबरा के डाबरा कचौड़ी मंगा रहे तो वड़ा पाव खा लूंगा। मंत्र में पढ़ रहा हूँ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। आगरी पाड़ा भगवाड़ा कोलीवाड़ा पिछवाड़ा पिछवाड़ा आगरी पाड़ा भैंसे का पाड़ा, बना दो बना दो बना दो। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हें कबूतर बनाने गई थी और मैं कबूतर बन गई। तुम हमेशा मुझसे बोलती थी ना, मैं तुम्हें देख लूंगी देख लूंगी, आज मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया। हाँ बच्चू, हाँ हाँ, आप लोग ताली बजाओ। हाँ बच्चू, देख लूंगी। राखी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उस सीट में बहुत सुंदर लगती हो। वो हॉट सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो कह रही कब मेरे ऊपर बैठेंगी। बस बस
ज्यादा मत बोलो। चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे लोटन कबूतर रे। हमारे यादव जी भड़क गए। त्या तो यार मैं तो समझ में नहीं आ रहा यार, त्या तरु त्या मेरे घर पे ये तोती पली हुई है, तोती तोती समझ देना, पैरेट पैरेट फीमेल फीमेल तोती पली है। अब बच्चे लोग तो दाव जाना है, तिस तो दे तोती, तौन तोती तो पाले था यार, परेशान होते यार सब छुट्टी पे जा रहे, परेशान हो तोती तो लेते यार। तभी चौबे जी बोले, अरे इसमें इतना परेशानी का बात है, कहा इतना बिलबिला रहे हो। अरे हमारे घर में तोता पले हैं, दो तोता हैं, उनका नाम हम रखे हैं राजा और बाजा। दो तोता हैं एकदम सीधे साधे हैं, भजन करते रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, सीधे साधे हैं। अरे तुम अपनी तोती को लाओ, हम अपने पिंजड़ा में छोड़ देते हैं। गए तोती को रुमाल में से ढक के लाए और जैसे ही पिंजरे में छोड़ा, दोनों तोता अचानक बोलते हैं, ओए होए दुआ कबूल हो गई। वाह क्या बात है। अब जो आ रहा है आपको हंसाने, ये बजाता है कॉमेडी का बाजा, खाता है खाजा, हम सबका लाडला दीपक राजा। इस दीपक ने किया है निकम्मा, ऐसा है सब कुछ खिलाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर इसका सिर के बता दी, यहाँ नाचता 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 है। इतना मैं मतलब बड़ा फैन हूँ राखी जी आपका, कि आप आजकल मेरे सपने में भी आने शुरू हो गए। रियली पिछले दिनों राखी जी मेरे सपने में आई, बड़ा अजीब सा सपना था। सपने में देखा डाकू इन्हें किडनैप करके अपने अड्डे पर ले गए, अपने अड्डे पर वहाँ पे, और हाँ। ये डाकुओं को झापड़ मार रही है, फटाक सही बात, फटाक सही बात है। डाकुओं का सरदार बोला, हाँ। क्यों मार रही हैं आप हमें, हाँ। हमने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया, इसीलिए मार रही हूँ समझे। किडनैप करके यहाँ लाए हो, हाथ पे लगाना चाहिए, सही बात है। किडनैप करके यहाँ लाए हो इसीलिए मार रही हूँ। सही बात, सही बात है। डाकू भी नहीं पूरा बनना आता तुम्हें, समझे, मैं मारूंगी तुम्हें। हाँ तो डाकू ने कहा, तो मेम साहब हम आपको किडनैप करके लाए हैं, आपके मतलब घर वालों से पैसे चाहिए हमें। ओके ओके पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, शर्म नहीं आती इस जमाने में पैसे मांग, रुपए मांग रुपए। तो डाकू ने कहा कि मैं 50,000 रुपया मांगूंगा। इन्होंने एक झापड़ थड़ा और मारा। ओह गॉड, शर्म नहीं आती तुम्हें, 50,000 की चीज लग रही हूं मैं तुम्हें। सही बात है। आइटम आइटम लोग मुझे आइटम बम कहते हैं। सही बात है। 50,000 मेरी हैसियत देख के मांग कमीने। मेरी हैसियत देख के मांग। तो उसने कहा ठीक है मैं 50 करोड़ मांगूंगा। एक और झापड़ थड़ा। अब अपनी हैसियत देख के मांग। पचास करोड़। शकल देखी अपनी, जीरो भी इतना छोटा सा मुंह और कितना रुपया मांगा। ध्यान से मांग। तो उसने हाथ जोड़ के खुद ही कह दिया, आप ही बता दीजिए बहन जी कितने मांगे हम। बता दीजिए। एक और झापड़ मारूंगी, खबरदार मुझे बहन जी कहा तो, बहन जी नहीं हूं मैं। तो डाकुओं के सरदार ने एंड में गुस्से में फोन कर दिया इनके घर को, हेलो 50 लाख रुपया जल्दी से भेज दो वरना हम राखी को वापस भेज देंगे। मेरा ख्याल इंडिया के नहीं वर्ल्ड के पूरे देश क्रिकेट प्रेमियों पर एक क्रिकेट का जुनून सवार रहता है। एक बार पत्नी क्रिकेट का मैच देख रही थी, पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद पति पत्नी से पूछता है, डार्लिंग मैं कैसा लग रहा हूं। पत्नी बोली, छक्का छक्का। बात करते हैं न्यूज चैनल्स की। सही, आजकल इतने न्यूज चैनल्स हो गए हैं,
उतनी न्यूज नहीं है जितने चैनल हो गए हैं, और ऊपर से जो न्यूज पेश करने वाले होते हैं उसके स्टाइल ऐसा है, मतलब सनसनी से पहले सनसनी, उसके बाद सनसनी, फिर एक ऐसी सनसनी जिसके बारे में पता ही नहीं ये कैसी सनसनी। और जैसे टीवी की न्यूज लाइन पर सबकी नजर जाती है, वैसे अखबारों की हेडलाइंस पर भी सबकी नजर जाती है। और जब एक ही अखबार में दो हेडलाइंस इकट्ठी लिखी होती हैं, कभी कभी कॉमेडी बहुत जबरदस्त पैदा होती है। कैसे? जैसे एक हेडलाइन होती है, दो नेताओं की आपस में कांटे की टक्कर, साथ में लिखा होता है एक विधवा का दोनों से चक्कर। क्या बात है, वाह! सचिन का खेल के मैदान में अंगूठा टूट गया, शादी उसकी हुई, मजे को यार लूट गया। ओलंपिक में भारत का नंबर जीरो, बच्चे पैदा करने में लालू प्रसाद हीरो। ऐश्वर्या ने डायरेक्टर के थप्पड़ मार दिया, कुत्तों ने राजू श्रीवास्तव का पजामा फाड़ दिया। और पिछले दिनों जब सहवाग की शादी हुई, हाँ, तो जगह जगह हर टीवी चैनल्स पर ये हेडलाइंस थी, सहवाग हनीमून के लिए गोवा जाएंगे, साथ में लिखा था पठान को भी मौका मिलेगा। राजू भाई, मैंने देखा कि आजकल भिखारियों का स्टैंडर्ड बहुत हो गया है। मैं बोरीवली स्टेशन पे खड़ा, एक पीछे से एक भिखारी आ गया रोता रोता। म्यूजिकल म्यूजिकल भिखारी। मैंने कहा हाँ क्या चाहिए। बोल नहीं सकता। सिंगिंग, सिंगिंग। बोल नहीं सकता। हाँ। मैंने कहा हाँ बोलते क्यों नहीं, क्या चाहिए। हाँ। ये क्या चाहिए तो गूंगा हूं। अच्छा, ये कहा जाता है बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन भिखारी खूब है और इनको कोई ना कोई तो इनसे जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है। ये ट्रेन में गाना गा के भीख मांगते हैं, उनको लगता है गाना गाओ तो देने वाला जल्दी देगा। अब इनको गाने के शब्द मालूम नहीं होते तो शब्द अपने ही डालते हैं तुरंत। कैसे? तुरंत खुद के शब्द बना के, श्री दिवाली तेरी सब नाम लेवा, लपे दुआई दे दे, आंखों से आंसू ले ले, शिरडी ले ले नासिक दे दे, शिरडी ले ले नासिक दे, तेरी सब नाम लेवा, लपे दुआई दे दे, आंसू से आंसू ले ले, लपे दुआई लाया शिरडी, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी के शिरडी वाले, क्रेजी किया सुबह सुबह राखी जी आए। मैंने कहा जी राखी जी, राजू कहाँ है? राजू वो जो गजोदर नहीं बनता, राजू कहाँ है? राजू श्रीवास्तव। मैंने कहा क्या काम किया है आपको आज? ना मेरा ना किसी भयानक सी शक्ल को देखकर चीख मारने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा राखी जी आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्यों? मैंने कहा राजू भाई भी इसी चक्कर में आपको ढूंढ रहे हैं। इसी तरह से हंसते रहिए, हंसाते रहिए। दीपक राजा की तरफ से आप सबको जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हुआ राधा? मम्मी याद आ रही है। ओह, तुम्हारी निगाहों में आंसू नहीं लगते अच्छे, और बारिश के मौसम में जल्दी सूखते नहीं मेरे कच्चे। पिछले एपिसोड में कॉमेडी का महाराजा बना था दिनेश सोनी। ओहो, और आज दिनेश सोनी को चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं सूरत से अलबेला खत्री। अलबेला खत्री आयो रे, अलबेला खत्री आयो रे, कॉमेडी की पोटली लायो रे, अलबेला खत्री आयो रे। राजू जी,
आपके लिए अगर मैं कहूँ तो आप कॉमेडी के सूरज की तरह चमके हैं, और आपके लिए कहना चाहता हूँ कि किस तरह मौसम बदलता है, लो आओ देख लो, रात को 9 बजे सूरज निकलता है, आओ देख लो। लेकिन सूरज के लिए कुछ कहा जाए तो दीपक जैसा कुछ होता है, और दीपक दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, दीपक तो आपके सामने है। मैं तो इजाज़त हो तो राखी जी के लिए कुछ कहने की कोशिश करना चाहूँ। मगर हम सुनना चाहते हैं। आप जो कुछ कहिए ना जल्दी से। के रूप जब सरोवर में नहाता है। एक सेकेंड, इनको नहाने दो। हाय हाय। नहाओ नहाओ। हमें कोई जल्दी नहीं है, नहाने दो। नहाने दो। बस बस। आप कहिए ना सर। रूप जब सरोवर में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। उतर आता है, इधर आ जाओ। राजू जी, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, आग पानी में लगा जाता है। क्या बात है? नौजवान की एक ही प्रॉब्लम होती है राजू भाई। क्या क्या? प्यार तो बहुत जल्दी करते हैं, फटा फट कह नहीं पाते आई लव यू। उनसे मैं कह देना चाहता हूं के हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, इश्क के सब जोड़ ढीले हो गए, और हो गए कुछ लेट हम इजहार में, और उनके हाथ पीले हो गए। मैं तो गुजरात से आया हूं, और आप जानते हैं गुजरात का बंदा बिजनेस माइंडेड, इतना बिजनेस माइंडेड कि कुएं में भी गिर जाए तो चिल्लाता बाद में है, पहले नहाता है। इतना बिजनेस माइंडेड कि जा रहा है शांति भाई की बारात में, पर खाना अगर कांति भाई का अच्छा है तो वहीं शुरू हो जाता है। गुजराती आदमी रिस्क नहीं लेता, सेफ कार्ड खेलता है, इतना सेफ कार्ड कि वन वे स्ट्रीट पार करनी हो तो भी दोनों तरफ देखता है। राजू भाई ने जब पहली बार मुलाकात की तो मुझसे कहा तुम्हारा नाम अलबेला खत्री, समझ में नहीं आता, बोले गड़बड़ है, अलबेला तो ठीक है, खत्री क्या है? मैंने कहा भाई साहब जैसे एक छाता होता है वैसे एक छतरी होती है, और जैसे एक खतरा होता है वैसे एक खतरी होती है। तू अच्छे, मजा आ गई। नाम में से भी हास्य पैदा होता है। एक आदमी का नाम था प्राणनाथ, वो एक ऐसे ऑफिस में काम करता था जहां महिलाएं बहुत काम करती थीं। महिलाओं को प्रॉब्लम हो गई, नाम कैसे ले, प्राणनाथ, प्राण नहीं कह सकती, नाथ नहीं कह सकती, प्राणनाथ तो कह ही नहीं सकती। गई मैनेजर के पास, इसका नाम गड़बड़ है बदलो। मैनेजर ने कहा ए प्राणनाथ इकलिया, तेरे नेम में बहुत गड़बड़ है, तेरा सरनेम क्या है? बोला स्वामी। अंग्रेजी में परंपरा है शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखने की, बलदेव राज चोपड़ा, बी आर चोपड़ा, निपट गया काम। ये प्रथा अगर हिंदी में लागू हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? पश्चिम रेलवे परे परे, और मध्य रेलवे मरे, उत्तर रेलवे उरे, पूर्वी रेलवे पूरे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पुदीरे। हम भी कमाल के लोग हैं, घर में वाइफ और बाहर माइक, दोनों से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी माइक अच्छा मिलता है, कभी कभी वाइफ अच्छी मिल जाती है, संयोग से। लेकिन दीपक राजा कहते हैं कि माइक और वाइफ एक जैसे होते हैं, एक जैसे ढंग का पीस, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन मेरा मानना यह है राजू भाई कि माइक और वाइफ में बहुत से फर्क होते हैं, बहुत से अंतर होते हैं। माइक और वाइफ में पहला अंतर तो ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं, वाइफ के सामने ना। दूसरा अंतर यह होता है कि माइक को अपने कद का छोटा ऊंचा न कर सकते हो, माइक एक साथ दो तीन चार भी लगा सकते हो। माइक अपना ढंग का नहीं हो, दूसरे का भी ले सकते हो। माइक पुराना हो जाए, किसी काम का नहीं रहे तो बेच भी सकते हो। माइक को बंद करने का एक बटन भी होता है, ये वाइफ में सुविधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर माइक और वाइफ में यह होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है।
और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। पुराने जमाने में घर में बच्चा पैदा होता था तो देखने वाली महिलाएं कहती थी, वाह वाह, बच्चे की आंखें मामा जैसी हैं, नाक दादा के जैसा है, होंठ माँ के जैसे हैं। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल लोग कहते हैं वाह आंखें शाहरुख खान जैसी हैं, होंठ सलमान खान जैसे हैं, नाक आमिर खान जैसा है। वो छोटा सा बच्चा कहता है देख लो कुछ घर का भी सामान है कि नहीं। अरे भाई मिस्टर इंडिया, जो कुछ बोलूंगा एकदम छकास। अरे अभी वक्त है पॉइंट्स देने का, और अलबेला भाई को मिलते हैं 10 में से। ओके, तो हम तीनों ने डिसाइड किया है कि मिस्टर अलबेला को मिलते हैं 10 में से 8। थैंक यू वेरी मच। और अब बारी है कोलकाता से आए हमारे एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन की जो पिछले एपिसोड में विनर हुआ था। अरे वही देगा अलबेला खत्री को चैलेंज। प्लीज वेलकम दिनेश सोनी समझा। ओ मेरी प्यारी बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सोनेरी बिंदु, मेरी प्रेम की नया बीच भवर में गुड़ गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, आई झटपट पार लगा दे। आहा सिंधी भाई हमारे भारत भ्रमण को निकले, सब जगह घूमने के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया हैदराबाद, हैदराबाद सेलेक्ट किया। हैदराबाद में नीचे उतरते ही, अरे बाबा झूले लाल का कसम खा के कहता है, अरे बाबा कैसा सुंदर सड़क है, नहीं ऐसा सुंदर सड़क तो मुंबई में खाली सपने में देखने को मिलता है बाबा। बगल वाले से कंफर्म किया, बाबा कितना सुंदर सड़क है, नहीं आदमी ने कहा हाउ हाउ। बोला अरे ये क्या है। उसके बाद में एक इमारत देखी अच्छी लगी, बोला अरे बाबा कितना सुंदर इमारत है, ना इतना सुंदर इमारत मुंबई में भी बहुत है लेकिन इसका तो बात ही अलग है। क्यों भाई, बगल वाले ने कहा हाउ। आदमी परेशान हो गए इधर कि हाउ का मतलब क्या होता है। एक आदमी सूट वूट पहन के दिखाई दिया, ये हाउ का मतलब क्या होता है। उधर एक्चुअली क्या है कि यहाँ कुछ अनएजुकेटेड लोग होते हैं, डिसक्वालीफाइड अनक्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, तो क्या होता है ये है को यस तो बोल नहीं सकते हैं इसीलिए हाउ बोलते हैं। अरे बाबा मेरा तो हैदराबाद आना सफल हो गया बाबा, अभी मेरा को लगता है मैं पूरा हैदराबाद घूम लिया, अभी मेरे को बताओ स्टेशन का रास्ता यही है हाउ। सिंधी साहब यहाँ से पहुँच के हमारे कलकत्ते पहुँच गए, और कलकत्ते में राजू जी आप तो जानते ही हैं, आमी जानी ना, इसका मतलब होता है मैं नहीं जानता, आमी जानी ना साहब। अभी क्या है वहाँ पे हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे देख के सिंधी भाई अटक गए, अरे बाबा कितना सुंदर ब्रिज बनाया है, एकदम पूरा पानी के ऊपर में बनाया है, बीच में कोई खंभा भी नहीं लगाया है। अरे बाबा किसने बनाया इसको। बगल में आदमी था, आमी जानी ना साहब। शहीद मीनार देखी, अरे बाबा कितना सुंदर शहीद मीनार है, अभी किसने बनाया इसको। आदमी ने कह दिया मैं आमी जानी ना साहब। सब में पूछा विक्टोरिया मेमोरियल साइंस सिटी जितना देखा, सब में कहा आमी जानी ना साहब। थक हार के गंगा जी के किनारे बैठे एक अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे बाबा किसका अर्थी जा रहा है। बगल में बोला आमी जानी ना साहब। बोला यार कितने अच्छे आदमी थे बाबा, इतनी सारी चीज बनाई और आज मर गया। फ्लाइट में आप लोग सब सफर करते होंगे, इस बार मैं फ्लाइट में गया तो एक आदमी फ्लाइट में चढ़ते ही अपनी सीट के ऊपर में बैठते के साथ ही चिल्लाने लगा एयर होस्टेज के ऊपर में, ये क्या मतलब है, मैं जितनी बार फ्लाइट में आता हूँ मेरे को एक ही सीट दे देते हैं आप लोग, हैं ये कोई मतलब है क्या। मैं रेगुलर फ्लाइट में सफर करता हूँ आपको मालूम है, मैं जितनी बार आता हूँ एक ही फ्लाइट में एक ही सीट दे देते हैं, यहाँ से एयर होस्टेज दिखाई नहीं देती है, मैं टीवी देख नहीं सकता हूँ, और मेरी खिड़की के पास में पर्दा भी नहीं लगा के रखा कि उसको बंद करके थोड़ा देर सो जाऊँ। एयर होस्टेज बोली देखिए आप ज़्यादा चिल्लाइए मत, पायलट को यही सीट मिलती है आपको यहीं पे बैठना पड़ेगा। कई बार हो जाते हैं ऐसे वाकई। सेना में जवान आए, एक जवान ऐसे ही घूम रहा था, कमांडर ने बुला के बोला जवान तुम यहां पर क्यों घूम रहे हो, जल्दी जाओ और लाइन के पीछे में खड़े हो जाओ, एकदम अंत में खड़े हो जाओ। जवान वापस आ गया, क्या हुआ
तुम वहां खड़े क्यों नहीं हुए? सर वहां अंत में ऑलरेडी कोई खड़ा हुआ है। एक बार इसी तरह से उसमें इसी तरह सेना में भर्ती चल रही थी, सारे लोग लाइन में लगे सोल्जर बनने के लिए, मैं भी लाइन में लगा। स्क्वाड्रन लीडर आया, बोला नौजवानों दौड़ो, मैं खड़ा रहा। फिर बोला नौजवानों दौड़ो, मैं खड़ा रहा। मेरे पास आके बोला क्या बात है भाई, है सब दौड़ रहे हैं, आप दौड़ नहीं रहे, क्या बात है? आप ही बोल रहे नौजवानों दौड़ो, मैं तो दसवां हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ समझ गए, ताली वाली बजाया है, समझ गए, बढ़िया सीटीटी सब आता है, हाँ हाँ सब मालूम। अब जो अपना ये कलाकार है कोलकाता से आए हैं, हाँ मेहनत कर रहा है, अच्छा कलाकार है, अब इसको जो है पॉइंट्स दिया जाएगा, पॉइंट समझता है? क्या दिया जाएगा? अरे तू स्कूल नहीं गया है? अरे जो एग्जाम देता है, परीक्षा होता है, नंबर मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नंबर वह देने का वक्त आ गया है। तो दिनेश सोनी को मिलते हैं 10 में से। जरा यहाँ आओ। ये राबड़ी अनाउंस करेंगे। हाँ तो हम कहते हैं इन्होंने डिसाइड किया है हमने डिसाइड किया है कि दिनेश वा को मिलते हैं 10 में से 7। क्या बात है, रख ले रख ले रख ले रख ले। हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे, हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे। हाँ दोस्तों, हमारे गांव के ननकौ फिल्म शोले देख के आए अभी कल। अच्छा इन्होंने 30 साल पहले नहीं देखी, 30 साल पहले अगर देख लेते मेरी खोपड़ी फाड़ देते। जब से फिल्म देख के आए गरिया रहे हैं, फिल्म बनाने वालों को गरिया रहे हैं, कह रहे हमें इनका पता दो जो बनाए हैं, हम खोपड़ी पर राई का तेल लगा के उनके पेट में मार देवे घपाक। हमका कहा हुआ नहीं, शोले फिल्म फालतू बनाया है, झूठ है, पूरी फिल्म झूठ से भरी है, झूठ का पुलिंदा है, सच्चाई नहीं है, पब्लिक का बेवकूफ बनाया है। कौन बनाया हमें बताओ, उनका सोचता है टांग पे टांग धर के चीर दे, उनकी छतिया पे बैठ के चरचरा दे। एक जगह क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन सामने से आ रहे हैं जो जय बने हैं, आओ आओ, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ऊंट कहाँ है, तो आदमी है, अभिषेक बच्चन के पापा है, उनको ऊंट कह रहा। और एक जगह क्या कहता है गबरो, एक जगह कहता है अच्छा तो ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई, जबकि एक हिजड़ा नहीं दिखाया शोले, कोई हिजड़ा नहीं रहा। अरे जय और वीरू रहे, ये कहीं ऐसे ऐसे करके नाचे, साजा रही गली तेरे माँ गाय नहीं, कहीं गाना ऐसे गाय नहीं, ये भी नहीं कहीं धोती उठा के ऐसे हाय 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 हाय। इतना झूठ शोले में कहा है, बोले हुए समझ में नहीं आ रहा, हर आदमी झूठ बोला है। अच्छा सब लोग झूठ बोल लिए, हमका शायद जया भादुरी झूठ नहीं बोलेंगी, वो तो इतना गजब का झूठ बोलती है। कहा वो ठाकुर की बहुरिया रही हैं तो लालटेन को ऐसे अपना जला रही बुझा रही, हमका ठीक है भाई केरोसिन डाला होगा, अपना जलाओ बुझाओ तुम्हारी चीज़ है जलाओ, अपना जला रहे हैं बुझा रहे हैं। बाद में हम देखा कि गाँव में तो पानी की टंकी भी है और ये जला रहे बुझा रहे, एक का मतलब गांव में लाइट और बत्ती नहीं है, तो लाइट बत्ती नहीं तो पानी टंकी कैसे देखा, वो पानी कैसे चढ़ाते भी बगैर बिजली के पानी कैसे चढ़ाएंगे, तो फोकट में जो है वो पानी टंकी बनाया। एक बस स्टॉप पे मैंने एक लड़का और लड़की की बातें सुनी, लड़का बोल रहा है चल चले शानी नाटक मत कर समझाना, समझाना भाव नहीं खाने का, भाव नहीं खाने का। लड़की लोग क्या होती मालूम है, लड़की बस और ट्रेन की तरह एक जाती है दूसरी आती है, ऐसे देखते अपन जा रही क्या, गई जाने गए जाना ए आना, तो बोली ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ समझे ना, हाँ कुछ भी ऐसे बोलने का नहीं, हाँ जो दिल में आएगा ऐसे बोल दोगे क्या, कुछ भी बोलते हो चल चल चल, हाँ 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 नाटक मत कर। हाँ लड़के लोग क्या होते मालूम है, लड़के ऑटो रिक्शा और टैक्सी की तरह होते, एक को बुलाओ चार चार आते।
जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ है भाला, एक तरफ है ढाल, दोनों यहां फिर से आएंगे, मचाएंगे बवाल, आपको लगेगा धमाल, थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसके पास है असली माल। हम यहां से अभी चले जाएंगे क्योंकि मेरे बाजू में है गरम गरम दाल। लेकिन जंग के लिए सबसे पहला योद्धा अलबेला खत्री। घड़ी घड़ी खिड़की पे खड़ी हो तुम, तीर चलाना छोड़ दो, हो तुम तीर चलाना छोड़ दो। अक्सर देखा गया है पति पत्नी के बीच जब कोई बहस की बात होती है तो महिलाओं को जल्दी गुस्सा आता है। आदमी बेचारा सहनशील होता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, बहुत ही जरूरी हुआ तो जवाब देता है, वरना जवाब ही नहीं देता। यानी कि आदमी को गुस्सा देर से आता है, महिला को गुस्सा जल्दी आता है। कारण क्या है रिसर्च करके आया हूं, आपको बताता हूं, आप किसी को मत बताना। नहीं नहीं वादा। नो नो। मोहब्बत में हर एक पत्नी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। और बहुत जल्दी पति को इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, क्यों जी होटल में क्यों लेके जा रहे हो, क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं? मैंने कहा, डार्लिंग ऐसी कोई बात नहीं, तेरे खाने से कोई शिकायत नहीं, पर आज मेरे में बर्तन धोने की ताकत नहीं। हर आदमी को अपनी माँ की हाथ की रोटियां बहुत पसंद होती हैं, मुझे भी हैं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया, देख रोटियां मेरी माँ जैसी बना दिया कर। उसने कहा, बना दूंगी, आटा अपने बाप जैसा गूंद दिया कर। चुनाव आए, लोग चिल्लाए, समाजवाद आएगा, राम राज आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी अपने घर में राम राज कब आएगा? पति बोला, कोई रावण तुझे लेके जाएगा तब आएगा। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे एक दोस्त ने तो मुझसे यहां तक कह दिया कि यार खत्री, तेरी पत्नी तो तूफान है, तूफान, पूरा मोहल्ला हिला रखा है। मैंने कहा, भैया बधाई मुझे दे जो इस तूफान में भी दिया जला रखा है। कोई भी बात का जवाब सीधा मिलता नहीं है। एक लार एक आदमी देशभक्ति की फिल्म देखकर आया, बड़ी देशभक्ति आ गई उसमें, घर गया, जाके माँ से बोला, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज उतार दूंगा। माँ बोली, बाद में उतारना, पहले दूध वाले का उतार दे। थैंक यू अलबेला जी, बहुत अच्छे। बरखुदार, जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया है धोनी, इसलिए आज हम यहाँ पर बुला रहे हैं दिनेश सोनी, और देखते हैं आज किसकी जीत है होनी। क्या बात है। देखा ना हर सोचा ना हर रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अभी हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, साइज में भी बहुत बड़ा है। उसने एक गाना गाया, गीला 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 दिल गीला 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 दिल गीला गीला। आपको मालूम है क्यों गाया? क्यों गाया? एक्चुअली उसके साइज का डायपर मिला ही नहीं, इसीलिए सब कुछ गीला 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 दिल गीला गीला। इसका अभी इन दिनों में कोई एल्बम उनका नहीं आया, ये तो कंटिन्यू मोटा मोटी आ ही जाते थे 6 महीने में, साल भर में एक। अभी इन दिनों में कोई एल्बम नहीं आया। मेरे को लगता है, मैंने सोचा कि अगर इनकी ऐसे नौकरी चली गई तो इनको नौकरी मिल जाएगी सर्कस में। अभी क्या सर्कस में इनके नाम पे 4 शो होते हैं, एक 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे और शाम को 7 बजे। करना कुछ नहीं है, सर्कस पे होर्डिंग लगी हुई है, सब बोर्ड वोर्ड में लगा हुआ है, आइए आइए आइए, एक आदमी को एक टाइम में 45 रोटियां खाते हुए देखिए, एक बार में आदमी 45 रोटियां खाएगा, आइए आइए आइए, टिकट कटाइए और देख कर जाइए।
पहला शो एकदम खचाखच भरती है, सब लोग ये कैसे खाएगा 45 रोटी है। अदनान सामी साहब आए, तेरा चेहरा, बैठ गए, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, 45 रोटियां, 45 रोटी खा के चले गए, एकदम खचाखच। ऑर्गेनाइजर सब खुश, वाह वाह क्या बात है। फिर से अनाउंसमेंट हुई, हॉल खचाखच भरती है, कैसे 45 रोटियां, अदनान सामे आए, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, 45 रोटियां खा गए, चले गए। बोले यार क्या कमाल का आदमी है, अभी क्या शहर में र्यूमर फैल गया, एकदम ब्लैक होने लगी टिकट। और फिर से खचाखच 4 बजे वाले शो में सबसे अनाउंसमेंट हुई, फिर से आ रहे हैं अदनान सामी। नहीं आ रहे क्या? फिर से आ रहे हैं अदनान सामी। आए नहीं, ऑर्गेनाइजर्स के पसीने छूटने लगे, यार हॉल खचाखच भर्ती हो गया है, किधर है, ग्रीन रूम में नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, सब जगह देख लिया कहीं नहीं है। बाद में पता चला ग्रीन रूम के पीछे में बैठ के रोटी खा रहे थे। बोले अरे अदनान जी आप ये क्या कर रहे हैं, शो शुरू होने वाला है। बोले यार काम ही कराते रहोगे कि खाना भी खाने दोगे? अरे दिनेश ने हंसाया, अलबेला ने हंसाया, अब वक्त चल के आया रिजल्ट्स का। अरे देखते हैं कौन बनेगा आज कॉमेडी का महाराजा, एकदम छकास क्या। हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे, हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे, हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे, हसे 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 गारे हसे का इंडिया रे। अरे जैसा कि आपको मालूम है कि पहले राउंड में दिनेश को मिले थे 7, अलबेला जी को मिले थे 8, वो तो था पहला राउंड। फाइनल में क्या हुआ? अरे बताऊंगा अभी बताऊंगा। मैंने और दीपक राजा ने और राखी सावंत ने मिलकर फाइनल राउंड में जो पॉइंट दिए हैं, अलबेला जी को फिर से 8, दिनेश को 7 तालियां। हमारे इस एपिसोड के कॉमेडी के महाराजा हैं अलबेला खत्री समझा। क्या बात है, क्या बात। तो ये है आज के हमारे विनर समझा, कोई शक समझा, माय मिस्टर इंडिया समझा। अगले एपिसोड में देखना ये है कि अलबेला खत्री अपना ये ताज बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। इनको चैलेंज देने के लिए एक और स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा, देखना मत भूलिएगा। कॉमेडी का बादशाह हंसेगा इंडिया, इंडिया।